अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? खैर ऐसे होंगे। आज बहुत खास दिन था। ठंडी जब भी आती थी तो अम्मी आलू का पराठा बनाती थी, और वो भी इलाहाबाद के स्टाइल से। तो आज सुबह उठी तो उठते मन एक आवाज़ होती है ना ठंडी के दिन के, जैसा हम बिस्तर में सोते रहते हैं, अम्मी को पूछते हैं अम्मी आज नाश्ते में क्या है, तो अम्मी कहती है कि आलू का पराठा है, कभी पूरी है, चाय पूरी, कचौरी है, पाव भाजी। मतलब अम्मी के लिए नाश्ता बनाना उनका शौक था, बच्चों का पेट भरना उनका भी एक मतलब चीज़ उनके लिए बहुत ही ये सब शौक था। तो अम्मी कुछ ना कुछ ठंडी के दिन बनाते रहती थी, तो हमें भी अच्छा वो पल अच्छा भी लगता था जब हम जिम्मेदार हो गए, अब बच्चों के लिए हमको बनाना पड़ता है टिफ़िन या लंच कुछ भी। तो बस अब अम्मी की याद तो हर पल आती है। अम्मी कहती थी कि बेटा उठ जा, सुबह हो गई, आज नाश्ता बना दे। तो हम कहते थे अम्मी आज थक गए हैं, पैर दुख रहा, हाथ दुख रहा, कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। मगर हम जब उठते थे सो के और अम्मी से पूछते थे अम्मी आज नाश्ते में क्या है, तो अम्मी खुशी खुशी कहती थी बेटा आलू का पराठा है, मुँह हाथ धो ले, नाश्ता बन रेडी है। वो पल अब दोबारा तो आएगा नहीं, तो बस वो पल को याद करने के लिए आज मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी ली है, आलू का पराठा। मेरी अम्मी बहुत आसान तरीके से और सिंपल से बनाती थी, मगर उसमें टेस्ट बहुत था। तो बस मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, मेरे अब्बू के लिए दुआ करना, उनकी मगफरत के लिए दुआ देना, क्योंकि आज उनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो उनकी खुशी और उनकी सपोर्ट हर चीज़ मेरे साथ थी। तो अम्मी जब कहती थी ना बेटा कुछ सीख ले, कुछ सीख ले, कुछ सीख ले, तो मगर वो चीज़ हम बचपन का था तो वो चीज़ सीख नहीं पाते थे। तो आज ये चीज़ बहुत कामयाब तक आगे तक लेके जाएगी पता नहीं था, मगर कामयाब तो हो गई अम्मी अब्बू ने ही देखने के लिए। तो आज ये चीज़ वीडियो बनाती हूँ, ये सब करती हूँ ना, तो अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि बेटा अम्मी अब्बू ने भी ज़िंदगी में आगे बहुत मेहनत किए हैं, तो मेरे बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ अच्छा सीख भी लेंगे। तो मैं इस मकसद से डालती हूँ वीडियो। वीडियो बनाना मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, वो करना, ये करना, बस इसमें वीडियो मेरे दो बच्चे की यादें हैं और बच्चों के पल हैं। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन था, आज मुझे इतना बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है मुझे ये सब बातें करना। तो बस अम्मी ये पराठा बनाती थी और मेरे अब्बू का बहुत फेवरेट था, हम लोग जब छोटे थे ना टिफ़िन में इसको लेके जाते थे ठंडी के दिन। आज मैं मतलब आप लोगों को अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। ये आलू के पराठे बना रही थी ना तो अम्मी की याद भी आने लगी थी, तो इस वजह से मैंने आज वीडियो पे रेसिपी तो नहीं बताई हूँ, मगर ये यादें बता दी हूँ। ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मेरे बच्चे भी कल के बड़े होंगे, फ़ोन हाथ लगाएंगे, वीडियो देखेंगे ना, उनको यादें रहेगी कि अम्मी की अम्मी ने नानी के लिए भी कुछ कहा है, कुछ करा भी है। तो मेरे बच्चे भी इस चीज़ को देख के अपने लिए कुछ आगे तो अच्छा करेंगे, क्योंकि मेहनत करके ही हमें चीज़ें फल मिलती है, ऐसे कुछ नहीं मिलता है किसी के साथ दगाबाजी, किसी के साथ गलत करके हमें कोई चीज़ आगे नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता भी है। तो बस बच्चे लोग के लिए मैंने ये वीडियो। आज सुबह बिस्तर ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने वीडियो तो बना ली थी। तो बस एक पल में अम्मी की याद आ गई, क्योंकि अम्मी ठंडी का दिन रहता है तो अम्मी चाय और पराठा सामने ही आ जाता था, तो वो पल आज बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत याद आ गई। तो बस मैंने ये चीज़ें आज बोलते चली गई। मेरी अम्मी के वीडियो को, मेरी अम्मी की रेसिपी को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। बस आलू के पराठे में कोतमीर, हरी मिर्ची, चाट मसाला एक बार ट्राई करना। देसी स्टाइल का पराठा है, पंजाबी पराठा है, कोई चीज़ मसाला नहीं है, सिंपल है, दही के साथ है, बड़ा मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।